हे गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आप सबके साथ जो है एक वीडियो शेयर करना चाहते हैं। जो SIS सिक्योरिटी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और जो SIS में ड्यूटी करते हैं उसके लिए बहुत ही कंपलसरी है। ये नया रूल, नया कानून एक बनाया गया है, नया कानून नहीं बोला जाए, एक हमारे ड्यूटी अटेंडेंस जो लगाते हैं प्रतिदिन मैं SIS ऐप करके, उसका एक वीडियो जारी किया गया है जो न्यू वर्जन के साथ आया है। वो मैं अभी आपको यहाँ पर लोगों दिखा सकता हूँ। तो उसमें जो नए अपडेट दिया गया है वो उसके बारे में हम बताने वाले हैं और वो खुद वीडियो जो दे रखा है SIS सिक्योरिटी की तरफ से वो आपके साथ हम लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो आखिर उसमें क्या बताया गया है। SIS का एक सीनियर अधिकारी आकर के उस अपडेट ऐप के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको सिक्योरिटी फील्ड का महत्वपूर्ण सूचना शेयर करेंगे और बाकी ऐसे ही बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रजनीश कुमार HR टीम से आज आपको MySIS के ऐप के नए वर्जन 2.2.3 के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं कि आप इस नए वर्जन को अपने MySIS ऐप को कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाएं और MySIS को टाइप करें। MySIS को टाइप करने के बाद आपको MySIS ऐप के बगल में अपडेट बटन दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप अपने MySIS के करेंट ऐप को नए वर्जन 2.2.3 में अपडेट कर सकते हैं। 2.2.3 अपडेट करने के बाद आप ओपन क्लिक करें। ओपन क्लिक करने पर आपको स्क्रीन में MySIS का नया वर्जन 2.2.3 दिखेगा। ध्यान रखें कि ऐप अपडेट करने के लिए ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल ना करें। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने पर आपका अटेंडेंस और अदर डेटा डिलीट होने का डर रहता है, इसलिए MySIS को गूगल प्ले स्टोर में ही जाके अपडेट करें। MySIS के नए वर्जन ऐप में बहुत सारी करंट समस्याएं, जैसे स्कॉट ड्यूटी नहीं लगना, लोकेशन का दिक्कत होना या कोई डाटा नहीं दिखना, ऐसी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। इसलिए आप अपने ऐप को यथाशीघ्र अपडेट करें। उसके बाद भी अगर कोई समस्या अगर आपको आती है नए वर्जन को अपडेट करने के बाद, तो कृपया आप अपने एरिया अफसर को तुरंत सूचित करें। नमस्कार, धन्यवाद।